हेलो हेलो हेलो, वेलकम 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 दोस्तों, वेलकम टू एंड गेम नंबर 32 ऑफ 100 एंड गेम्स यू मस्ट नो। यार आज की इस एंड गेम में अपन फिर से बात करेंगे रुक वर्सेस टू पॉन्स की, लेकिन इस केस में खाली वो किंग रोल प्ले करेगा अपना जो कि पॉन प्रमोशन करना चाह रहा है, राइट। जो कि ऐसा है भाई, उस जैसे इस केस में वाइट है, वो अपना वाइट अपना जो है पॉन प्रमोट करना चाह रहा है, ब्लैक रोकना चाह रहा है, करेक्ट। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो, व्हाइट के पॉन जो है कुछ ज्यादा ही आगे आ चुके हैं, पर दिस पोजीशन इज थ्योरेटिकली अ ड्रॉ। कैसे वो हम आपको बताते हैं। अभी इस केस में आपको दो ही मूव मेनली आपको देखने हैं, राइट, और कोई मूव वर्क कर भी नहीं रहा है, सिंपली विनिंग हो जाएंगे बाकी तो। जो कि मूव दो ड्रॉ करेंगे, एक ही मूव एक्चुअली ड्रॉ करेगा, लेकिन सोचने वाली बात है वो ये मूव है या ये मूव है, राइट। या तो रुक G3 खेलें या रुक F3 खेलें। भाई देखो, मेरे भी दिमाग में फर्स्टली यही मूव आया था जब मैंने एंड गेम देखी, और मोस्टली लोगों के दिमाग में यही मूव आएगा रुक G3। लेकिन ये मूव गलत है। क्यों गलत है भाई? भाई क्योंकि उसका किंग सीधा यहाँ पे जाएगा। तुमने ये पॉन रोकने की कोशिश की, लेकिन वो कह रहा है ठीक है तो वो रोक, मैं ये पॉन प्रमोट करने की कोशिश करता हूँ भाई। लेकिन तुम भी चलाओ, तुम कहोगे नहीं मैं अपना किंग ले आऊंगा, फिर क्या भाई पॉन पुश, मैं किंग ले रहा हूँ पास में और पॉन पुश। अब तुमको पॉन बचाने के लिए तुमको किंग F3 खेलना ही होगा, राइट। बट इज कम्प्लीटली विनिंग फॉर वाइट ना, राइट, बिकॉज अगर वो डायरेक्ट प्रमोट करेगा तुमको किसी क्वीन मारनी पड़ेगी, एंड इट्स जस्ट कम्प्लीटली विनिंग फॉर वाइट, एंड एंड ऑन नेक्स्ट मूव वाइट विल मेक द क्वीन एंड यू आर लूजिंग, ठीक है, वरना तुम हार जाओगे। एक ही मूव है तो तुमने देखा रुक G3 कैसे ड्रॉ नहीं कर रहा। अब एक बार रुक F3 भी देख लेते हैं। अगर रुक F3 खेला, लेट्स सपोज कोई दिक्कत नहीं है, ही प्ले G7 है ना, वो कोशिश कर रहा है वो यहाँ से बजा बजा, लेकिन अब तुम रुक G3 जाओ, अब दिक्कत नहीं है। क्यों? अब वो किंग F2 जाएगा पॉन प्रमोशन करने के लिए, लेकिन अब तुम किंग को पास लाओ, अब वो प्रमोट करेगा, कोई दिक्कत नहीं, मारो मारो किंग पास लाओ, अभी तो कुछ बचा ही नहीं है, किंग हिलाए जो मर्जी, पॉन पुश करे तुम पॉन मिल ही जाए जो मर्जी। तो बेसिकली इस एंड गेम में हमने क्या सीखा कि मेनली हमें सामने वाले किंग को वो पॉन प्रमोट नहीं होने देना है जो कि हमारे किंग के पास है। कोशिश करो कि तुम्हारा किंग जो उसका पॉन तुम्हारे पास में है उसके पास रहे, दूसरे वाले पॉन को प्रमोट करने दो, जो कि अपन रुक सैक्रिफाइस मार देंगे। जो पास में पॉन है उसको एज इट इज रहने दो, वो अपना किंग संभाल लेगा, अगर तुम्हारा किंग पास में है तो। अगर बहुत दूर होता फिर नहीं संभाल पाता वो, अगर तुम्हारा किंग बहुत दूर होता, लेकिन कुछ इतना हद तक पास है तुम्हारा किंग, मान लो कि वो संभाल पाएगा, तो उस केस में यू शुड ऑलवेज ट्राई कि भाई वो पॉन क्वीन नहीं होना चाहिए। अब उसको क्वीन ना होने के लिए तुम क्या करोगे, तुमको यही करना होगा। अभी इस केस में अब डायरेक्टली जैसे उसका जैसे व्हाइट पिछले मूव में यहाँ गया था पॉन प्रमोट करने के लिए, अब वो नहीं जा सकता ना, क्योंकि वो सिंपल टेक कर लेंगे ना, वो तो सिंपल विनिंग हो जाएगा, वो नहीं कर सकते, राइट। तो यही था आज की एंड गेम में। आई होप तुम लोगों को अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। आज इसमें कोई पजल नहीं है, आई एम रियली सॉरी। बट अगर तुम लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर देना, और नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं तुमसे अगली एंड गेम में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, सी यू मेरे दोस्त।